स्टार आप देख रहे हैं सच के साथ इंडिया समाचार। अयोध्या भवन में स्थित कौशल किशोर भवन शास्त्री नगर के पूर्व महंत एवं नगर पालिका अयोध्या के पूर्व चेयरमैन अवधेश कुमार दास शास्त्री के कृपया पात्र पर श्री महंत नरहरिदास के कृपया पात्र महंत प्रशांत दास शास्त्री ने अपने वक्तव्य में मंदिर एवं अयोध्या के जीर्णोद्धार पर अपने विचार व्यक्त करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर के विवाद को जो न्यायालय में न्याय विचाराधीन है हिंदू के पक्ष में फैसला आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपने तर्ज पर काशी विश्वनाथ मंदिर पर न्याय स्वरूप दिया जाएगा। इंडिया समाचार, नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र कुमार सिंह, रिपोर्टर अयोध्या। कौशल किशोर महंत महाराज मंदिर में है जहाँ पे महंत अवधेशदास शास्त्री अवधेश कुमार दास शास्त्री जी पूर्व चेयरमैन का स्थान है। अभी कुछ दिन पहले कुछ हमारे पूर्व महंत नरहरदास जी की मृत्यु के बाद हमारे महाराज जी ने यहाँ की गद्दी संभाली है। मैं ऐसे बात करना चाहता हूँ कि इस मंदिर में कितनी समस्याएं आ रही हैं, जो एक जिम्मेदारी मिली है आपको उसमें आपको कहाँ कहाँ क्या समस्या आ रही है, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? पहले महाराज जी अपना नाम बताइए। हमारा नाम महंत प्रशांत दास शास्त्री है और हमारे गुरु जी का श्री महंत नरहरिदास शास्त्री जी महाराज हमारे गुरु जी 26 अप्रैल 2021 को शाम को 7:30 बजे श्री राम अस्पताल में हमारे गुरु जी का स्वर्गवास हो गया। उसके पश्चात गुरु जी का विधवत पारस एवं भंडारा का कार्यक्रम हुआ। 12 मई को हमारे गुरु जी का भंडारा था। उसके बाद हम स्थान देख रहे हैं, सब कुछ स्थान में ठीक ठाक चल रहा है, पूरा कारोबार अच्छी तरह से चल रहा है। ठाकुर जी कृपा से थोड़ा बहुत समस्याएँ तो स्थान में आती रहती हैं, लेकिन उस स्थान को समस्याओं को लेकर के किसी प्रकार का हम अपने मन में कुछ वैसा करें तो ठीक नहीं है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहते थे कि अभी इस समय जो है अयोध्या का जीर्णोद्धार शुरू चल रहा है, सड़कों की चौड़ीकरण की योजना चल रही है, तो इससे तमाम दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं, उनके रोजगार पे उनपे असर पड़ रहा है। तो चौड़ीकरण होने में तमाम दुकानें चली जाएंगी, टूट फूट जाएंगे, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या ये सही है? हमारा कहना ये है, अभी तक तो मंदिर में विवाद चल रहा था, इस समय मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। आगे चल करके मंदिर में निर्माण कार्य मंदिर का संपूर्ण रूप से पूरा हो जाएगा। भीड़ तो अयोध्या में बढ़नी है। सड़क चौड़ीकरण की बात है तो अभी तो लोग यहाँ के दुकानदार कह रहे हैं कि नहीं, सड़क चौड़ीकरण नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे समस्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सही कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके मुख्यमंत्री जी के मन में यही है कि हम उनको जगह देंगे, दुकान बनाने को करेंगे। आज ये उसी दुकान से आप 100 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन आगे चल करके सड़क चौड़ीकरण हो जाएगा तो उसी दुकान से आप 1000 रुपये भी कमाएंगे, बात उसकी नहीं है, इसमें कोई नहीं संदेह वाली बात नहीं है। आप जो दुकान वकान जो मतलब प्राधिकरण बन रहा है, ये चौड़ीकरण होना चाहिए और इन लोगों को दुकान प्राप्त होंगी, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं इनको दुकान जरूर मिलेगी। मतलब इनको सहयोग करना चाहिए, इनको सहयोग करना चाहिए और किसी प्रकार का कोई शोर हल्ला नहीं मचाना चाहिए, इनको सहयोग करना चाहिए। कि इस समय जैसे राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसी प्रकार अब लोगों का निगाह हमारे योगी जी का या हमारे विश्व हिंदू परिषद का निगाह जो है काशी विश्वनाथ और मथुरा में है, तो ये क्या जैसे अब समय इसमें चुनाव होने की घोषणा हो रही है, चुनाव के समय आ रहे हैं, क्या राजनीतिक नहीं है क्या जो है काशी विश्वनाथ मंदिर पे भी एंड चुनाव के वक्त पे घोषणा किया जा रहा है जीर्णोद्धार का? नहीं, ऐसा कोई राजनीतिक नहीं है। ये जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम श्री अयोध्या जी में राम जन्मभूमि मंदिर में जो मुस्लिम लोग कब्जा करके बैठे हुए थे, मुस्लिम लोग कब्जा करने से पहले ये मंदिर ही था, हम लोग हिंदुओं का मंदिर ही था, उसके पश्चात उन्होंने कब्जा किया। उनको योगी जी जब माननीय श्री मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने तो उसको हटवा करके और मंदिर का निर्माण कार्य चालू हुआ, उसी तरह कब्जा करके लोगों ने बैठे हुए हैं काशी विश्वनाथ में और उसी तरह श्री वृंदावन धाम में कब्जा करके बैठे हैं, तो उसी तरह उनको हटा करके और मंदिर का निर्माण कार्य वहाँ भी करवाना चाह रहे हैं, वृंदावन धाम में करवाना चाह रहे हैं और हम लोग को सुपुर्द करना चाह रहे हैं बना करके। जी, जी।